राम राम बच्चों, आज इस फोटो को ध्यान से देखो कि जब भक्त लोग भगवान के आगे आनंद में, मस्ती में कीर्तन करते हैं ना, तो भगवान ऐसे भक्तों को देखकर कितने खुश हो जाते हैं। इस बात को हम इतना नहीं समझ पाए, पर हमारे संत महापुरुषों ने तो स्वयं इस आनंद को प्राप्त किया था, इसीलिए वो हम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा कीर्तन में ही लगवाना चाहते थे। इसीलिए आज श्रद्धेय सेठ जी की वाणी का कीर्तन लेकर आए हैं। बच्चों, एक बात और बताने की मन में आ रही है, हम लोगों ने भी सेठ जी के प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किए हैं, परंतु हमारे से बड़े, हमारे माताजी पिताजी, हमारे दादाजी दादी जी से यह सुना हुआ है कि सेठ जी वटवृक्ष पर जब कीर्तन कराते थे तो इन भक्तों की तरह ही खूब जोर जोर से नाचने लग जाते थे, और पास में खड़े सभी सत्संगियों को ऐसा प्रतीत होने लग जाता था कि भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए हैं और वे भगवान के सामने ही नाच रहे हैं। ऐसे विलक्षण महापुरुष की वाणी का कीर्तन आज हम सभी को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो आज हम सब इसी भाव के साथ में यह कीर्तन करेंगे कि सेठ जी भगवान के रूप में हैं और हम उनके साथ साथ में आनंद के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, और यह कीर्तन की ध्वनि सब जगह फैल रही है, गीता प्रेस में, गीता भवन में, ऋषिकुल में भी, वटवृक्ष पे भी, चारों तरफ सिर्फ कीर्तन ही कीर्तन हो रहा है। यही भाव के साथ में आज हम सबको कीर्तन करना है। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण रामचंद्र की मार्ग भक्त वंशी वाली।